एनडीएच न्यूज की रिपोर्ट। ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बालिका वधु सीरियल से रातों रात स्टार बनी एक्ट्रेस प्रत्युषा बनर्जी की आज पुण्यतिथि है। महज 24 साल की उम्र में प्रत्युषा ने टेलीविजन में खास मुकाम हासिल कर लिया था। अचानक हुई मौत ने भले ही उस वक्त सनसनी मचा दी थी, लेकिन उनकी दोस्त को आज भी इंसाफ का इंतजार है। इस दिन पर प्रत्युषा को याद करते हुए टीवी एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने खुलेआम ऐसी बात कह दी जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। काम्या पंजाबी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, देश अपनी जिंदगी की परवाह मत करो, आपकी जान की यहाँ कोई कीमत नहीं है, लोग समय के साथ तुम्हें भूल जाते हैं। मेरे इस कमेंट पर रिप मत लिखना, कुछ करना चाहते हो तो प्यार में अंधे मत बनो, घरेलू हिंसा रोको, कभी अपनी हिम्मत मत छोड़ो, जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है। आपको बता दें, प्रत्युषा बनर्जी की मौत की गुत्थी आज भी सवालों के घेरे में है। भले ही इस एक्ट्रेस की मौत को 2 साल बीत चुके हैं, लेकिन आखिर मौत क्यों और कैसे हुई इस बात का पता अभी तक नहीं चल पाया है। हालांकि प्रत्युषा की मौत का शक उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह पर किया जा रहा है। प्रत्युषा बनर्जी की लाश मुंबई में स्थित घर मिली थी। कहा जा रहा था जब दरवाजा तोड़ा गया तो प्रत्युषा की बॉडी लटकी मिली थी, यानी कि उन्होंने फांसी लगा ली थी। प्रत्युषा के इस कदम के पीछे दिल टूटना और डिप्रेशन कहा गया। इस मामले पर शक उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज पर गया, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया था। उस वक्त काम्या के अलावा टेलीविजन के कई सारे एक्टर्स प्रत्युषा के सपोर्ट में आए और शक राहुल पर ही जताया। आपको बता दें, प्रत्युषा राहुल राज सिंह के साथ नच बलिए के सीजन 5 में भी आई थी। इसके साथ ही बिग बॉस सीजन 7 में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लिया था। इस शो के दौरान ही काम्या और प्रत्युषा अच्छे दोस्त बन गए थे।